पीएम मोदी आज करेंगे सरदार धाम भवन का उद्घाटन, छात्रों के लिए आध्यात्मिक सुविधाएं। यूपी चुनाव की तैयारियों में एसपी बीएसपी समेत कई दलों से काफी नीचे नजर आ रही कांग्रेस, जमीनी स्तर पर रैली और सम्मेलनों की कमी। चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल का मास्टर स्ट्रोक, मां कृष्णा पटेल को दिया मंत्री एवं अध्यक्ष बनने का ऑफर। दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला, कहा महिलाओं के लिए तालिबान के समान है विचारधारा। कांग्रेस पूरे यूपी में निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, योगी के मंत्री बोले कोई जान फूंकने वाला नहीं बचा। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, एमपी बिहार सहित कई राज्यों में एमडीआई ने जारी किया अलर्ट। तैतालीस माह लगातार जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को मांग मानने पर करेंगे मजबूर राकेश टिकैत। बिहार में इस्तीफा देने वाले शिक्षकों ने फिर कर लिया ज्वाइन, निगरानी जांच में सामने आ रहे नए तरह से फर्जीवाड़े। ओवैसी की पार्टी ने दिया मुख्तार अंसारी को न्योता, कहा वोट दिलाएंगे विधायक भी बनवाएंगे, करोड़ों देकर बसपा से टिकट ना खरीदे मुसलमान। आजम खान 52 दिन बाद फिर भेजे गए सीतापुर जेल, लखनऊ के मैदांता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।